भैया लोग, उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम कपारे पर चढ़ गिल बा। प्रत्याशी भी आपके बीच में आ जाई हन। आज समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। जिस तरह सामंतवादी ताकतों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, वो लोग अखिलेश यादव जी के साथ मजबूती से मुट्ठी बांध के खड़ा हो रहे हैं। ऐसे जानता लोग, अब रैली हो रही है। अभी हलधरपुर में रैली हुई थी, 5 लाख लोग का भीड़। बाबा जी रात भर सुतल नहीं खा। बीजेपी वाले बौखला गए हैं, कुर्सी खतरे में है। भाई नया गाना बता नहीं सुनल जाओ कैसे। सपा सुभा सुपा कमेल हो गई। आप बताइए, 5 लाख के भीड़ में उस भीड़ का नेतृत्व करने वाला जब देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को कुर्सी पर बिठा कर ये कहे कि हम 2022 के मुख्यमंत्री को लेकर आए हैं, तो ये तय है। और ये आपको भी समझ लेना चाहिए कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं रही है। फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हम आह्वान करते हैं। सामंतवादी ताकतों के खिलाफ जो छोटे छोटे लोग लड़ने वाले हैं, आइए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ और मुट्ठी बांध के इंकलाब पैदा करिए और बनाइए समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार। अभी तो हलधरपुर की रैली अभी झांकी है, पूरा टेलर तो अभी बाकी है। बाबा जी सुनिए क्या। बढ़ा दिया साइकिल खनऊए की ओर हो, गावे गावे गली गली भइल बा शोर हो। भैया अखिलेश जी जहे जा रहे हैं वही जा ही नजारा देखे के मिलता। जानता लो लोग का जनता तो भीड़ रेल रेल हो गई। जनता तो भीड़ रेल रेल हो गई। तो देखो बाबा जी का खेला, तो देखो बाबा जी का खत्म पूरा खेल हो गई। देखा बाबा जी का खत्म पूरा खेल हो गई। देखा बाबा जी का खत्म पूरा खेल हो गई। देखा बाबा जी का खत्म। अब सच कहता हूं तो ये बीजेपी वाले कहते हैं कि ये धर्मेंद्र सोलंकी उल्टा बोलता है। एक नौकरी अगर तुमने दिया हो इस 5 साल के सरकार में, बताओ नरेगा में काम कहले के बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने नौकरी दे दिया नरेगा वा के। ये नौकरी है, याद रखना। ये जनता अपने सीने में बारूद भर के तैयार है और ये बारूद जिस दिन फटेगा उस दिन तुम्हारी ये हुकूमत मिट्टी में मिल जाएगी। ये जनता दुनिया में लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जनता सबसे बड़ी चीज होती है। ये जनता कुर्सी पर बिठाना जानती है, तो जनता कुर्सी से कान पकड़ के नीचे उतारना भी जानती है। और सुनिए, भाजपा ने एक को काम किया है। अब हम कहते हैं तो लोग कहते हैं इधर उधर बतियाता है। क्या किया है मास्टर? बेच दिया बीजेपी अपनी राज में, खोल दिया जहर देखो पूरे समाज में। भाजपा वाले बेच दिया देश है बीजेपी अपनी राज में,
जहां जहां भारत के प्रधानमंत्री गए बढ़िया से चारों ओर ताक लिए और ताक के जो ही दिल्ली गए थे उसका सौदा कर दिया। ये कुशीनगर भी गए थे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने। हम और गनवे में कहिला दूसरे का जन्मावल अपने तो कुछ होखे वाला बा नहीं, दगे कारतूस हैं लोग फ्यूज बल्ब है, अपने कुछ होने वाला नहीं है, दूसरे का जन्मावल लेके जिया ललना जिया ललना। एयरपोर्ट बनवाया कुशीनगर का अखिलेश यादव जी ने, डर तो हमारा ये बात का बा कि उद्घाटन कहना ठीक लेकिन कहिया ही एयरपोर्टवा के बेच दी है यू का कोनो गारंटी भाव ना है। ए लिए संपत्ति सरकारी सब सेल हो गई, संपत्ति सरकारी सब सेल हो गई, ना देखा बाबा जी का खत्म हो, देखा बाबा जी का खत्म पूरा खेल हो गई, देखा बाबा जी का खत्म पूरा। पंचो हाथ जोड़ के कहत नहीं और सिलेंडर आवाज यानी फ्री में दिया ना सा फ्री में भाई यानी चकनाई ले लो के दिहल हाई है ना दिया ना सा तो 300 का भरात रहे तो फ्री में दिया ना सा अब कर भी अगर भराता 1100 को यानी का भूसा में धरा इल बा कहता लोग की लकड़ी तुर के लाओ तनी मेहराऊ से चूल्हे में आगे लगा के वही पर रोटी बनावा सा बड़ा मिठाऊ रोटी होता चूल्हे पर। अरे मिठाऊ का होता भरावे के आई लक्ष्मी नारायण ने खत मिठाऊ लकड़ी पर का लागी। अब सुनिए हटाइए भाजपा को, महंगाई की माई है भाजपा और महंगाई के माई को पालना जैसे घर में सर्प को दूध पिलाने के बराबर होता है। याद रखिए कहना चाहता हूं क्या भाजपा हटाओ बचाओ इस देश को, यूपी के तरक्की खातिर लाओ भाजपा हटाओ बचाओ इस देश को, यूपी के तरक्की खातिर लाओ।